टाइम काउंट करना कितनी देर जाएगा। ये गया एक और दो और बस। यहाँ पे ना सेंटर के अंदर इन्होंने डाला है देसी घी। मैं ये खाने के लिए दिल्ली से जम्मू आ सकता हूँ, इतनी टेस्टी है। बट मैं इसको ऐसे पकड़े रखूँ ना, ग्रेविटी ग्रेविटी से ये गिर जाएगी, इतनी सॉफ्ट है ये। हाय गाइस, तन्मय दिस साइड फ्रॉम वेजी पाजी, और अभी हम लोग हैं जम्मू में और आपको दिखाने वाले हैं जम्मू के नाश्ते की ये खास चीज़ जिसको बोलते हैं सुच्ची। और बहुत सारी चीज़ें रहेगी। जम्मू का ब्रेकफास्ट फुल मज़े से चल रहा है, ये पार्ट टू है, ब्रेकफास्ट का पार्ट वन भी डाल रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, सर्च करेंगे वेजी पाजी जम्मू, बहुत सारे और एपिसोड्स आ जाएंगे। जो जो आपने सोचा है कि जम्मू में दिखाना चाहिए वो सब दिखा रखा है। वीडियो स्टार्ट करते हैं, पहले लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो नए आए हो तो। लेट्स बिगिन। जाननी दी हट्टी से खाने वाले हैं सुच्ची। अब आप क्या बता रहे थे मेरे को, जो आप कहानी बता रहे थे ना, मैंने बोला चलो सब लोगों को बताओ आप क्या होती है ये चीज़, क्या होती है ये? होती है सुच्ची। अच्छा, पुराने जमाने से चली आ रही है ये, इधर लगी रही है। हाँ, जब भी बनाएंगे आपके सामने। अच्छा, पुराने जमाने से चली आ रही है, ब्याह शादियों में मिलती थी। अच्छा, आप हम भी बनाना स्टार्ट किए। जम्मू साइड ही मिलती है ये? जम्मू साइड ही मिलती है और कहीं नहीं मिलती। तो इसको मतलब ये पतली रहती है और ये जैसे रुमाली रोटी होती है ऐसे ये बनती है। अच्छा, और एक सेकंड में डीप फ्राई हो जाती है। एक सेकंड आपके सामने बना के। हाँ, वो सुनने में अलग लगता है, आंखों देखी अलग मजा आता है। एग्जैक्ट एड्रेस क्या पड़ता है इसका? क्या एड्रेस? जानी दी हट्टी। जानी दी हट्टी, कनक मंडी चौक, कनक मंडी चौक जम्मू। ये अभी पूरी निकल दी। ये पूरी निकली है, यहाँ पूरी भी होती है, भटूरा भी होता है और सुच्ची भी होती है। अच्छा, भटूरा तो हो गया जो मैदे का एकदम वो रहता है। हाँ, जो पूरी होगी उसके अंदर पिट्ठी रह गई। हाँ, और सुच्ची हो गई जो एक सेकंड में निकल गई। ये सेक्शन हाँ, है यहाँ पे। जानी जी क्या क्या है ये? यहाँ चने बने हुए हैं। ये चने, ये सब भटूरे सुच्ची सब चीजों के साथ चने रहते हैं? हाँ, चने रहते हैं। और ये आलू की सब्जी है, ये आलू की बहुत फेमस है, तीखी सब्जी है, चटपटी। और वो बहुत फेमस है। दोनों चने? ये चने है, ये राजमा है। अच्छा, राजमा है। ये डिप कुलचा के लिए, और वो डिप कुलचा खाओ, ये राजमा चावल खाओ। और ये नीचे ये क्या सेक्शन है? ये है, ये आलू का ओरिया बना होता है। आलू का ओरिया होता है, दही राई और आलू के साथ, आलू के साथ बनता है। जैसा सीजन हो वही अचार होता है, सीजनल अचार। अच्छा, अब ध्यान से देखना, ये चालू हुआ, बैटर लिया, इसको हल्का सा तेल लगाया, फ्लैटन करा, बस बहुत खींचते चले गए, इतना लचीला है ये, पूरा खींच दिया। और ये ध्यान से देखो कि ये फट नहीं रहा, तो तेल नहीं ज़्यादा पिएगा, और इसको पूरा मतलब अपने हाथ की हथेली जो है, तीन हथेली बराबर जितना ये बड़ा हो गया। टाइम काउंट करना कितनी देर जाएगा, लिटरली टाइम काउंट करना। ये गया एक और दो और बस। भाई साहब, ये इतने में पक जाता है कि इतना खींच देते हैं, इतना पतला हो जाता है कि एक सेकंड में पक गया। चने आ गए और ये आ गई एकदम तीखी वाली आलू की सब्जी, उस पर पड़ गया रोगन, और ये आ गया ओरिया आलू का दो जी, और एक सुच्ची अंदर भिजवा दीजिएगा। लेट्स ट्राई सुच्ची। ये जम्मू के नाश्ते की एक और ऐसी चीज़ है जो आपको जम्मू आओ तो मिस नहीं करनी चाहिए, और इसको देते हैं आलू की सब्जी और छोले के साथ में, कहाँ पे? जानी दी हट्टी पे। मेरे को ऐसा लग रहा है ये नॉर्थ इंडियन बहन है, किसकी लुची है, पर एकदम पतला कर दिया मैंने वो लचीला, और जिसका टेस्ट दोगे उसका टेस्ट पकड़ लेगी। अभी ये पकड़ रही है चटपटे आलू और चनों का टेस्ट, और सब्जी यहाँ पे पत्ते में देते हैं, छोले आलू और साथ में चटनियाँ वगैरह। कह रहे हैं कि ना पुराने ज़माने में, अभी भी शायद मिलती होगी, शादियों के टाइम पे चलती है, लोग पसंद करते हैं खाना, और बनते में जैसे आपने देखा इसको लिटरल फ्राई करने के लिए सीधा ऐसे डाला और निकाल दिया। दैट्स द ब्यूटी ऑफ ये चीज़। हम लोग ट्रैवल करते हैं, नई नई चीज़ें देखते हैं, खाते हैं, और आप लोगों को तक वो चीज़ पहुंचाते हैं। तो अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि ऐसी नई नई चीज़ें जैसे जैसे मैं सीखते रहता हूँ आप लोगों तक भी पहुँचाते रहूँ, और आपकी नॉलेज में भी ऐड होते रहे जम्मू की सूची।
देसी घी के गुलाब जामुन। कौन सा पत्ता होता है ये? बलोंगड़ का पत्ता होता है। अच्छा। सामग्री इसमें डालते हैं। अच्छा, पूजा लगती है। और वैसे पत्ते में खाने वो एक अलग ही मजा आता है, उसका अलग मजा आता है। ये बहुत सुच्चा माना गया, साफ। अच्छा। अच्छा, जाते जाते आपको एक और चीज दिखाते हैं। ये देखो गुलाब जामुन का साइज देखो आप, और मजा देखो पत्ते के अंदर। एक तो डबल मजा आता है। मैसिव बाइट लेते हैं गुलाब जामुन के। ये इतना बड़ा गुलाब जामुन है कि आप एक बारी में नहीं खाओगे तो आपको मजा नहीं आएगा। आधी बाइट खाओगे तो आपको आधी बाइट में पूरे गुलाब जामुन का मजा आएगा, जो आमतौर पे इधर उधर से जो आप खाते हैं। देसी घी का गुलाब जामुन मेरे को बता रहे हैं, और एकदम हल्की मिठास के साथ में, कि आपको जो चीज है उसका फ्लेवर है बहुत बढ़िया। अब आपसे मिलेंगे किसी और जगह पे कुछ और खाना खाते हुए। वेजी बाजी देखते रहिए। अभी हम लोग अपनी अगली जगह पे आए हैं। राजमा चावल जम्मू की जान है। चावल तो पता नहीं, राजमा जरूर है, और जम्मू राजमा इतने मस्त होते हैं ना। देसी घी वाले खिलाने वाले आपको कहाँ पे आए हैं? डोगरा चौक पे, बग्गर वाले के यहाँ पे। आइए दिखाते हैं क्या खास है। आप पहले अपना नाम बताइए। अंकुश शर्मा। अंकुश जी, एक बढ़िया सी प्लेट लगा दो, हाफ ही लगाना आपकी। मेरे हिसाब से हाफ प्लेट में ही फुल काम हो जाएगा। हाफ प्लेट सर काफी होती है, हाफ से। अच्छा, फुल तो खाने की जरूरत नहीं है। आप एक हाफ देसी की पनीर वाली लगा दो, मस्त है। ये चावल आ गए आपके। और ये राजमा कौन से होते हैं? अपने भद्रवाह राजमा होते हैं। अच्छा, ये कौन से? मतलब मेरे को जम्मू पता है, चित्रा पता है। नहीं नहीं, ये जम्मू चित्रा नहीं है, भद्रवाह राजमा होते हैं। भद्रवाह कैसे? देसी राजमा होते हैं, देसी राजमा होते हैं। उसके बाद आपका सर ये आगे राजमा। अच्छा, उसके बाद आपका आएगा पनीर का पीस। तो ये फ्राई करके रखते हैं पनीर का पीस? पनीर का हल्का सा फ्राई करके स्लाइस ही आ गया सर। अच्छा, ये पनीर आ गया, इसके बाद देसी घी आ गया सर। ये देखिए, ये कितना एमएल देसी घी होता है? ये सर 20 ग्राम। 20 ग्राम देसी घी होता है। और इसका क्या प्राइस रहता है? इसका सर 130 रहता है, सिंपल 80 है। अच्छा। डाल के 100, पनीर डाल के 130। ये आपकी प्लेट बनती है राजमा चावल। ये आपका चारकोल आ गया, ये आपका ऑयल आ गया, इसको धोनी लगेगी। अच्छा, ये स्मोकी चटनी बनती है। वेरी जम्मू थिंग टू डू। ये धुनी होती है, इससे अलग ही टेस्ट आएगा चटनी। ये धुली वाली चटनी होगी। क्या बोला? धुनी 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 लगती है, धुनी वाली चटनी। एकदम स्मोकी टेक्सचर आ जाता है ना पूरा राजमा के साथ, आपको चटनी का टेस्ट ही लग आएगा। ये अनारदाने वाली रहती है? अनारदाने चटनी, एकदम स्मूथ सी। मेरे से वेट नहीं हो रहा भाई, राजमा चावल वैसी मेरी फेवरेट मील है, और जम्मू के राजमा चावल की तो चर्चे ही अलग है। ठीक है, आ जाओ। तो इसके टाइमिंग क्या रहते हैं? सुबह 10 AM to 10 PM। अच्छा, पूरे 10 AM to 10 PM, दिन भर मिलती है? दिन भर मिलती है सर, कोई ब्रेक नहीं होती। प्रॉपर एड्रेस? डोगरा चौक। प्रॉपर डोगरा चौक, जीबल प्रेस क्लब, नियर एग्जीबिशन ग्राउंड। यहाँ पे सर आगे चटनी धुनी वाली, यहाँ पे आगे उसके साथ प्याज, और एक डाल दो मिर्च, एक आपको हरी मिर्च, ये आपकी हरी मिर्च। ये मेरी राजमा चावल की प्लेट, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसको खाने के लिए। यहाँ पे ना सेंटर के अंदर इन्होंने डाला है देसी घी, तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, कोने से एक जस्ट राजमा का एक बाइट लेता हूँ, ताकि मुझे पता चलेगा कि राजमा कैसे हैं। फिर मैं राजमा को चावल के साथ लूँगा, फिर मैं राजमा चावल घी लूँगा, फिर मैं राजमा चावल घी पनीर लूँगा। बहुत टेस्टी है, एकदम मलाईदार, सॉफ्ट, स्मूथ राजमा। ये मुझे बहुत पसंद है। दिस इज लाइक अ मिक्स ऑफ, ये देसी राजमा इन्होंने बोले ना, ये चित्रा राजमा है ना, ये जम्मू राजमा है। बहुत सही। और ये स्मोकी चटनी थोड़ी अलग से लेते हैं। अनारदाने की चटनी है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है फ्लेवर्स मसाले के, और स्मोकी फ्लेवर डाल के ना और मज़ा आ गया। आहा, इनके प्राइसिंग कैसे हैं? नॉर्मल आई थिंक ऐसे है कुछ 70-80 rupees का, उसके बाद आई थिंक घी डालते हैं फिर थोड़ा प्राइस बढ़ जाता है, पनीर का पीस डालते हैं फिर थोड़ा प्राइस बढ़ जाता है, ऐसे ऐसे अलग अलग फ्लेवर्स रहते हैं। मैं ये खाने के लिए दिल्ली से जम्मू आ सकता हूँ, इतने टेस्टी है। चेक आउट दिस पनीर का पीस, लिटरली पनीर और चावल और राजमा, ये कॉम्बिनेशन आपको सिर्फ जम्मू में मिलेगा।
ये तो थे जम्मू के राजमा चावल। इस वीडियो में और बहुत सारी चीज़ें होंगे, बहुत मज़ा आएगा। तो चलते हैं किसी और जगह पे, कुछ और खाना दिखाते हैं आपको। भाई इस वीडियो का एंड कर रहे हैं हम लोग, आपको दिखा रहे हैं जम्मू की वन ऑफ द फेवरेट मिठाई चॉकलेट बर्फी। कहाँ पे अभी हम लोग जलियाँ दी हट्टी पे है, और यहाँ की जो मशहूरी इतनी है कि पापा ने ऑर्डर दिया हुआ है कि जम्मू से और कुछ लाओ ना लाओ, ये चॉकलेट बर्फी ज़रूर लेके आला। बड़े अच्छे लोग हैं, वीडियो बुला रहे थे, रुक गए, पहले बोला आप तो चले जाओ, आपको चॉकलेट बर्फी दिखाते हैं। आप मत रुको, आप पहले आओ चॉकलेट बर्फी देखो और उसके बाद जम्मू की टिकट कटवाओ और इसको खाने आओ। बहुत बढ़िया बढ़िया खा ले जम्मू में, आ जाओ। अभी हम लोग शॉप के अंदर आ गए और बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। चॉकलेट बर्फी जो आपको बता रहा था वो सबसे एंड में दिखाऊंगा। आप पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम राहुल। राहुल जी क्या क्या है यहाँ पे, क्या क्या चीज़ें? कतलम्बी होती है, फेनी होती है, सोंड होता है, चॉकलेट होता है। मतलब सबसे ज़्यादा जाने किसके लिए जाते हैं आप? हम फेनी कतलम्बी। कतलम्बे एक बार दिखाएंगे क्या होती है, चीज़ क्या होती है? ये होता है कतलम्बे। मैं देख रहा हूँ इसमें खस्ता पड़ते हैं जो लेयर वाइज बनते हैं। जैसे अपन बात भी कर रहे थे तो आप बता रहे थे कि ये जो चीज़ है इसको बहुत घंटे लगते हैं, बहुत मेहनत लगती है बनाने में। 5-6 घंटे लगते हैं इसको। अच्छा, तो कैसे इसको प्रिपेयर करने के लिए, बनाने के लिए टाइम अलग चाहिए होता है इसको। अच्छा, और 4 बजे लगते हैं तो 10 बजे जाके हमारी पट्टी। खाते किसके साथ है इसको? इसको चाय के साथ, नमकीन चाय के साथ कतलम्बे खाते हैं। अच्छा, अपने चने के साथ, आलू के साथ, राजमा के साथ खाते हैं। मतलब बड़े सारे चीज़ें किसी के साथ भी खा लो। और पीछे क्या है? ये आगे एक ये खोए वाला कतलम्बा होता है। ये खोए वाला कतलम्बा, ये दूध के साथ ज्यादा खाओगे तो मजा आएगा। ये ऐसे ही खाते हैं, ये ऐसे ही खाते हैं। अच्छा, इसमें रबड़ी लगी होती खोए की। अच्छा, इसमें सारी ऊपर वो चीज हो रखी है। इसको ऐसे भी खा लो तो भी मजा आएगा, पर इसको मजा अपने आप में खाने में बहुत आएगा। इसका क्या रेट आता है? ये 480 रुपए किलो है। 480 रुपए का है किलो। ये फेनी है। ये फेनी है जो आप कह रहे हैं कि ये आपकी बड़ी फेमस है। ये होती है तार, इसमें अलग अलग बीच ब्रीक रही है। अच्छा, ये सफेद फेनी रहती है। ये कितना चलती है? ये 1 महीना चलती है। महीना चलती है। और कतलम्बे? ये 20 दिन। 20 दिन। और वो खोए वाला थोड़ा वो रहेगा, हफ्ता चलेगा। हफ्ता चलेगा। और बाकी ये बर्फी कौन सी है? ये गोंद की बर्फी होती है। गोंद की बर्फी है। गोंद की बर्फी है। बर्फियाँ तो इनके पास मतलब बहुत सारी चीजें हैं, मेन्यू बहुत लंबा है। कितने साल हो गए, समय कितना हो गया भैया? हमें 127 साल हो गए। अच्छा, तो किन्होंने चालू करा था आपके? मैं इस टाइम पे 5वीं पीढ़ी हूँ। 5वीं पीढ़ी है आप, ठीक है। ये तो कतलम्बे तो है, एक देंगे जरा कुछ इसमें जिसमें खाऊं। 5वीं पीढ़ी ये चल रही है तो आप समझ सकते हो कि भाई क्या टेस्ट दे रहे हैं, कि लोग बार बार आई जा रहे हैं, बार बार आई जा रहे हैं। ये सुंड होती है। हाँ जी, मतलब सुंड आप किस चीज़ को बोलते हैं? हमारे यहाँ पर सुंड कहते हैं, आपके जैसे दिल्ली में बाहर कहते हैं पिंजीरी। पिंजीरी कहते हैं। पिंजीरी में क्या होता है, आटा डालता है, सूजी डालती है, खसखस डालती है, ठीक है। ये प्योर वर्ट की होती है, इसमें ट्रैकिंग लेडी के लिए सबसे बेस्ट होती है। अच्छा, ये सुंड की होती है। और इसका बेस क्या रहता है, आटे का रहता है या क्या? ओनली ड्राई फ्रूट्स। अच्छा, ये प्योर ड्राई फ्रूट्स। जैसे हम अपन जैसे पिंजीरी को बोलते हैं तो उसमें आटा, उसमें कोई तो आटा, सूजी, मैदा कुछ तो रहेगा, इसमें सिर्फ ड्राई फ्रूट्स और सुंड है। हाँ, जैसे ये बता रहे हैं कतलम्बे हो गए, फेनिया हो गए, ये सब फेमस है भाई। हमारे चॉकलेट मिलेगा नहीं पूरे जम्मू। हमारे तो घर का एग्जांपल है, पापा को आपकी चॉकलेट बर्फी इतनी पसंद है, उन्होंने बोला ये लिए बिना जम्मू से मत नहीं आना, ये मिलेगा ही नहीं ये मिले। और इतना अभी इन्होंने खिलाया, अभी ऑफ कैमरा बात कर रहे थे, इतना मुलायम है। बिल्कुल बिल्कुल, ये मुँह में ही गल जाता है। हाँ, तो ये कैसे, मतलब बस चॉकलेट और खोया? खोया और खाली घी है। खोए और घी, देसी देसी घी। तो चॉकलेट फ्लेवर कैसे आता है? भून के आता है, जैसे वो मिल्क केक को भूनते रहते हो, वो वाली चीज है। अच्छा, तो जो पहले के जमाने में वो चॉकलेट चॉकलेट तो होती नहीं थी, तो वो भुनाई जो अच्छी सिकाई हो रखी है वो है, प्योर है, इसमें कोई मिलावट नहीं, कोई केमिकल नहीं डालते। कितना इसका रेट रहता है? इसका भी 480। कोई आज की चीज कल नहीं होती है, रोज का नया नया। वो तो आपकी इतनी 5वीं पीढ़ी आप चल रही है, इतनी मशहूरी आई निकली आई निकली। इतना ही काम है, अगर सुबह बनाएंगे शाम को खत्म करके जाएंगे, रखने वाला काम। एक चॉकलेट बर्फी भी इसमें रख दो, ये आ गया चॉकलेट बर्फी। और एक आप वो भी रख दो, मैं वो भी टेस्ट करता हूँ। चलो मैं आपको टेस्ट कराता हूँ और उसके बाद फिर इसकी पैकिंग वगैरह कराता हूँ। भाई सबसे पहले ट्राई करते हैं ये नॉर्मल कतलम्बे से, इसको आप जिसके रूप में ढालोगे उस रूप में ढल जाएगा। आप दूध के साथ खाओगे दूध का मजा आएगा, आप छोले के साथ खाओगे, आप चाय के साथ खाओगे। देख लो खस्ता कितनी है, ये लेयर्स देख रहे हो इसकी। ये इनकी दुकान की ना कतलम्बे, फेनी, चॉकलेट बर्फी, ये सब इन मतलब बहुत सारी चीज़ें तो वैसे हैं बट होती है ना कुछ पहचान होते हैं, ट्रेडमार्क्स होते हैं, ये वो है। एकदम खस्ता, प्रिपरेशन करने में घंटों लगते हैं और बनाने में और टाइम लगता है, वो सब चीज़ आपको पता चलती है जब आप खाते हो। देखो आपके हाथ एकदम देसी घी में डिप हो जाते हैं और जो आप इसको मतलब
आप छोले में डाल के खाओ, या वो हम लोग ना एक चीज़ होती है वो फैन बोलते हैं उसको, फैन पर इतने खस्ता नहीं होती, बट उससे सबसे पास मेरे को समझ आ रहा है कि मैं चाय में उसको डिप करके खाऊं। और और ये है, अगर आपको सिर्फ इसको एज इज खाना है, ये खोए वाले कतंबे है। नीचे से देखोगे कतंबे एग्जैक्ट सेम है जैसे मतलब आपको पीछे वाले दिखाए थे, बस इसके ऊपर ऐड हो गया घे, वो खोया। जैसे एक होता है प्लेन घेवर और एक होता है वो मलाई घेवर, ये वो वाली चीज़ है। लेट्स हैव अ बाइट ऑफ दिस। डिलीशियस, मज़ा आ गया खा के। मतलब आप इसको जितना आप ले के हाथों हाथ खाओगे ना, आपको मज़ा आ जाएगा, लिटरली मज़ा आ जाएगा। और ये फाइनल चीज़ चॉकलेट बर्फी भाई, और इसका पीस इतना थिक कटता है ना, और ये ऐसे है, मैं इसको अभी ऐसे मतलब कैमरा पे बहुत बोरिंग हो जाएगा, बट मैं इसको ऐसे पकड़े रखूँ ना, ग्रेविटी ग्रेविटी से ये गिर जाएगी, इतनी सॉफ्ट है ये। बोलते हैं पोली पंजाबी में, इतनी पोली पोली है ये। इसको पकड़ूंगा और गिर जाएगी। बाइट लेते हैं इसकी, चॉकलेट बर्फी। ये टेस्ट आपको और कहीं नहीं मिलेगा, खाने के लिए जम्मू आना पड़ेगा। और घर की पैकिंग करवाते हैं, इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। मज़ा आया हो तो लाइक करना, और अगर नहीं भी आया तो भी लाइक करना, और बहुत मेहनत लगती है। बात करेंगे किसी और वीडियो में, कुछ और खाना दिखाते हुए। अभी दिखाना है आपको जम्मू का खाना। बाय बाय।